बिजली उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने और बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बिजली विभाग ने एक अनोखी पहल की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत संकरी गलियों मोहल्लों में एक बाहरी स्थान पर सभी बिजली मीटरों को लगाया जा रहा है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि बिजली चोरी की घटनाओं में काफी कमी आएगी। साथ ही बिजली विभाग की ओर से समय समय पर अभियान चलाए जाने के दौरान उन्हें भी चेकिंग में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि बिजली विभाग का सबसे बड़ा उद्देश्य शहर के सभी उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति देना है, लेकिन जो लोग बिजली चोरी करने के लिए लाइनों में छेड़छाड़ और सीधे कटिया डालते हैं, इससे विद्युत तंत्र डैमेज होता है। वहीं बिजली विभाग के अभियान के बारे में बताते हुए अधीक्षक अभियंता ने बताया कि मीटरों के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए 3-4 कार्यक्रम शुरू कराए गए हैं, जिनमें कटिया डालने वालों के खिलाफ विजिलेंस और उपखंड अधिकारियों की ओर से टीम बनाकर क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान के साथ ही सुबह और रात में छापमार कार्रवाई की जा रही है। जरूरत पड़ने पर पुलिस बल की भी मदद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ एरिया में स्ट्रीट लाइटों से बड़ी तादाद में बिजली चोरी के मामले संज्ञान में आए हैं। इन एरिया के स्ट्रीट लाइटों को चिन्हित किया गया है, साथ ही कुछ लोगों को बिजली चोरी के मामले में पकड़ा भी गया है। इसके अलावा पार्षदों और गणमान्य व्यक्तियों से भी उनका सहयोग लिया जा रहा है कि वो पब्लिक के अंदर जागरूकता लाए कि बिजली चोरी दंडनीय अपराध है, इसको ना करें, क्योंकि इसकी वजह से समय पर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं और बिजली विभाग को सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने में दिक्कतें होती हैं। देखिए, विद्युत विभाग का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि हमारे शहर में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को प्रदान की जाए। अब इसमें समस्या क्या आ रही है कि जो लोग विद्युत चोरी कर रहे हैं उसकी वजह से वो लाइनों में छेड़छाड़ करते हैं, वो डायरेक्ट कटिया डालते हैं, तो हमारा जो विद्युत तंत्र है वो डैमेज होता है, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे मीटर के साथ छेड़छाड़ करते हैं वहाँ उनको भी चेक किया जा रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमने 3-4 कार्यक्रम यहाँ पे शुरू कराए हैं। नंबर एक, जितने भी हमारे जो डायरेक्ट कटिया वाले हैं इनमें सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए जो हमारी विजिलेंस की टीम है उसके माध्यम से जहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है पुलिस बल की भी सहायता प्राप्त की जा रही है, और टीम बनाकर उपखंड अधिकारियों वार क्षेत्रों में इसमें सघन अभियान चलाया जा रहा है। मॉर्निंग रेड भी कराई जा रही है, इवनिंग में भी रेड कराई जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी, हमारे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये संज्ञान में आया कि स्ट्रीट लाइट के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता चोरी कर रहे हैं, तो उन एरियाज को चिन्हित किया गया है। उसमें जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको चिन्हित किया गया है, उसमें कुछ उपभोक्ताओं को पकड़ा भी गया है चोरी करने के लिए, तो उस कार्य को भी किया जा रहा है। तीसरा, माननीय हमारे जो पार्षद जी हैं या और गणमान्य व्यक्ति हैं शहर के, उनका भी इसमें सहयोग प्राप्त किया जा रहा है कि पब्लिक के अंदर जागरूकता लाएं कि विद्युत चोरी दंडनीय अपराध है, इसको ना करें। उसकी वजह से जो हमारे सही बिल समय पर जमा करने वाले उपभोक्ता हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं हमें असुविधा होती है सही रूप से विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराने में। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, सभी से अपील है कि जो कोई भी उपभोक्ता विद्युत चोरी ना करें, अवैध रूप से विद्युत का उपयोग ना करें। जिनका लोड अधिक चल रहा है स्वीकृत भार से, वो अपना तुरंत उसको नियमित करा लें, यही मेरी अपील है सभी से। सर, संकरी गलियों में जैसे मीटर लगे हुए हैं तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया कि गलियों के बाहर उन लोगों के मीटर लगाए जाएंगे? हाँ, देखिए, जब हम लोग चेकिंग करने जाते हैं, हमारी टीम जाती है चेकिंग करने के लिए, तो वहाँ पर तारों का इस तरह से जंजाल बना हुआ है कि ये पता नहीं चल पाता कि किस उपभोक्ता का कौन सा वहाँ पर केबल जा रहा है। तो उससे एक तो हमें जाँच करने में सुविधा मिलेगी, कोई भी उपभोक्ता अगर उसमें विद्युत चोरी करता हुआ पाया जाता है तो वो तुरंत हम बाहर से ही देख लेंगे कि ये हमारे विद्युत उपभोक्ता चोरी में लिप्त है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, और उससे ब्यूटिफिकेशन वर्क भी हुआ कि जो तारों का जंजाल हो बन रहा है वो भी उससे ख़त्म हो रहा है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी हमने 3-4 स्थानों पर शुरू कराया है, और इसको इसकी सक्सेस को देखते हुए हम इसमें फर्दर जो है, मतलब अच्छा एक रिजल्ट आ रहा है इसका निकल के, इसमें हम इसमें आगे कार्रवाई कराएंगे। और मैं समझता हूँ कि आगामी 2 माह के अंदर इस कार्य को हम पूर्ण करेंगे। ये बिजली चोरी को रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, तो क्या लाइन लॉस में कुछ कमी आई है सर? निश्चित रूप से जो हमारा कार्रवाई की गई है, अभी मई की अगर मैं बात करूं तो मई माह में हमने अभी तक टोटल जो चेकिंग की है उसके सापेक्ष हमें 313 हमने FIR कराई हैं,
और करीब 122 प्रकरण ऐसे हैं जो कि जिनमें हमारी अनियमितताएं मिली हैं, जैसे कि जिनका उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका जो स्वीकृत भार है उसके सापेक्ष लोड काफ़ी अधिक चल रहा है, तो इस तरह की जो कमियां हैं वो भी मिली हैं।